हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दो शेयर के बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो बनाई थी। तो आज हम दोबारा उस शेयर के बारे में बात करेंगे क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो आपको फ्यूचर में काफ़ी अच्छा बेनिफिट आपको प्रोवाइड कर सकती है। तो हम जिन शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं, उससे बात करने से पहले मैं आपसे चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को एक बार सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो हम सीधे शेयर पे आते हैं। तो शेयर का नाम जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, पीवीआर लिमिटेड। आपको पता है कि पीवीआर ये थिएटर होता है जो जहाँ पर हम जाके मूवी देखते हैं। तो आज के दिन आप जैसे कि देख पा रहे हैं, 71.60 पॉइंट्स की यहाँ पर, मतलब 6.38% की यहाँ पर सीधे जंप देखी गई है। एक ही दिन में 6 से 7% का यहाँ पर प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैंने ये लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी तो उस टाइम शेयर की कीमत जैसे कि आप सामने देख रहे हैं स्टैंड किए हुए हैं, तो पीवीआर लगभग, और ये ड्यू टू तो उस टाइम पीवीआर जो ये वीडियो मैंने बनाई थी 31 जुलाई को बनाई थी 2020 में, आज से 12 दिन पहले, तो ये केवल 1,083 रुपीज़ का शेयर मिल रहा था। और आज जो ये शेयर आपको नज़र आ रहा है 1,194 पे। तो मेरा यहाँ वीडियो बनाने का मकसद केवल इतना है कि अभी जैसे कि आपने देखा है पिछले 3 और 4 महीने में फार्मा के स्टॉक्स कितनी तेज भागे हैं कि उन्होंने 100% तक का प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। लोगों ने वहाँ पर इन्वेस्ट किया और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट वहाँ पर से अर्न किया। बट जैसे कि आप आज का देखेंगे चार्ट, ये फार्मा के स्टॉक्स है, सब में वहाँ पर यहाँ पर आपको गिरावट दिखाई दे रही है। एक दो शेयर को छोड़ के बाकी सब में आपको रेड निशान दिखाई देगा। कहीं पर -14%, कहीं पर 0.46% की गिरावट, कहीं पर 1% की। तो ये सारा का सारा मोस्टली आपको देखो रेड में ही दिखाई दे रहा है, मतलब सब में आपको गिरावट दिखाई दे रही है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है यहाँ पर वैक्सीन आ गई है, कोविड की वैक्सीन आ गई है, रशिया ने आप निकल दिए, तो यहाँ पर दबाव देखा गया है। बट हम यहाँ पर फार्मा के स्टॉक्स की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं पीवीआर की, हम बात करेंगे आयोनॉक्स की। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीवीआर का स्टॉक्स अभी 1,194 पे है, बट 6 मंथ पहले की जब हम देख लेते हैं तो लगभग ये 13 फरवरी को 2,000 रुपये का चलता था। अभी ये शेयर नीचे आपको इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मल्टीप्लेक्स बंद है, अब थिएटर सारे बंद हैं, लोग बाहर जा नहीं पा रहे हैं, मूवी वो देख नहीं पा रहे हैं। बट फिर बताना चाहता हूँ कि जैसे ही ये रिज्यूम होंगे, जैसे ही ये पीवीआर और आईएनऑक्स रिज्यूम होंगे, तो ये शेयर डेफिनेटली बहुत तेज भागने वाले हैं और आपको बहुत अच्छा रिटर्न ये फ्यूचर में आपको देने वाले हैं। काफ़ी लोग हैं जिन्होंने फार्मा की रैली मिस कर दी है, जिन्होंने अच्छा रिटर्न वहाँ से नहीं कमा पाए जस्ट बिकॉज कि वो इन्वेस्ट नहीं कर पाए। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन शेयर की तरफ ध्यान दीजिए। और एक बार आप और सिचुएशन को समझिए, जब फार्मा की ज़रूरत थी तो फार्मा बड़ा था, बट जैसे ही 1 या 2 महीने ही जा रहे हैं, आई थिंक 1-2 महीने में ये शेयर जैसे ही रिज्यूम होगा तो ये शेयर बहुत तेज भागेगा। जैसे कि आप मेरा पिछले वीडियो 10-12 दिन पहले बनाया था, केवल 1,083 पे चलता था, बट आज जंप लगी 1,194 पे ये स्टॉक आ गया है। तो थोड़ा इसकी तरफ ध्यान दीजिए, जैसे ही ये 2 महीने या 80 महीने, 2 महीने जैसे ये रिज्यूम होगा, उसके 1-2 महीने और आगे पकड़ लो, तो ये शेयर बहुत तेज भागेगा। और बहुत तेज भागेगा तो ये आपके पकड़ में नहीं आएगा। अगर रिटर्न्स की बात कर लेते, देखिए 1 डे में रिटर्न देखिए पीवीआर का 6.39%, 1 वीक में देखिए 4.94%, 1 मंथ में देखिए 14.13%, और 3 मंथ्स में देखिए 31.37%। ये नेगेटिव में दिखाई दे रहे, बट लॉन्ग टर्म का आप देखिए, लॉन्ग टर्म में 10 ईयर्स में भी 682% के रिटर्न इसने दिए। तो बहुत अच्छा और बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर ये है। इसके अलावा हम आयनोक्स की बात कर लेते हैं। आयनोक्स में आज 17 पॉइंट्स की जंप देखी गई है, जैसे कि आप देख रहे हैं 17 पॉइंट्स की जंप देखी गई है, 7.39% का यहाँ पर प्रॉफिट आज की डेट में ही देखा गया है। और जब मैंने ये वीडियो बनाई थी उस टाइम, जैसे कि आप देख रहे हैं, उस टाइम ये शेयर 237 रुपीज़ का चलता था, तब भी गिरावट इसमें हुई थी। बट
फिर बताना चाहता हूँ, जैसे ही थिएटर रिज्यूम होंगे ये शेयर और तेज भागेंगे, इतनी तेज भागेंगे कि ये पकड़ में नहीं आएंगे। ये अभी अपने आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये शेयर अभी हाफ कीमत पे मिल रहे हैं, लगभग लगभग 500 रुपये का ये शेयर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 500 रुपये के लगभग से ये टूट के कितना पड़ गया, हाफ प्राइस हो गया कोविड की वजह से। बट जैसे ही ये रिज्यूम होगा ये लेवल ये इजीली पार कर लेगा, तो आप 70, 80 और 100% तक का प्रॉफिट अभी भी ये इस शेयर देने की काबिलियत रखते हैं। जैसे ही रिज्यूम होंगे आने वाले 3 से 4 महीने में ये शेयर बहुत अच्छा रिटर्न देने वाले हैं। तो जैसे कि आप सामने देख रहे हैं वन डे का परफॉर्मेंस का भी देख लेते हैं, 6.83%, 1 वीक में 7.4, 1 मंथ में 8.28 और 3 मंथ्स में 23, और लॉन्ग देख लीजिए 10 ईयर्स में 23.82% का यहाँ रिटर्न दे रहे हैं। तो ये कंपनी जैसे ही रिज्यूम होगी, जैसे ही इनका बिजनेस रन होगा, ये कंपनी डेफिनेटली बहुत अच्छा रिटर्न देगी। आज की वीडियो मैंने यहाँ पर पीवीआर आइनॉक्स पे दोबारा इसलिए बनाई है ताकि ये रैली आपसे मिस ना हो जाए। आप यहाँ पर, क्योंकि जब ये भागने लगेंगे तब आप पकड़ नहीं पाओगे और फिर आप फिर दोबारा हाई लेवल पर ले लेंगे, फिर आपको दिए नीचे शेयर चला जाएगा, फिर आपको लॉस होगा, फिर आप कहेंगे कि लॉस हो रहा है। ओके, तो इसलिए कह रहा हूँ दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। ओके, तो आप यहाँ पर इन शेयर्स को ले लीजिए, आइनॉक्स केवल 253 का, वैसे से थोड़ी बहुत क्वांटिटी उठा लीजिए, उठा लीजिए। ओके, क्योंकि 3, 4, 5 मंथ्स में ये जैसे रिज्यूम होगा, जैसे बिजनेस रन होगा, जैसे ही लोग बाहर निकलेंगे, कोविड से लोग परेशान हो चुके हैं, वो थिएटर नहीं जा पा रहे हैं, तो ये शेयर्स पीवीआर और आइनॉक्स बहुत तेज भागेंगे। जैसे कि आज की डेट में ही आपको देखा गया है 71 पॉइंट्स की जंप, और ये लगभग लगभग 1225 रुपये तक आ गया था। तो ये डेफिनेटली बहुत तेज भागने वाले हैं और बहुत अच्छा रिटर्न आपको फ्यूचर में देने वाले हैं। 2000 रुपये का शेयर कोविड से पहले चलता था, आज 1100 के लगभग है, 800 रुपये तक पहुँचना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे ही फुटफॉल स्टार्ट होगा, जैसे ही लोग जाना शुरू करेंगे, भागेगा, लोग इसमें बाई करेंगे, और बाई करके डेफिनेटली ये शेयर 2000 तक जाएगा और फिर आपके आपके हाथ से एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर से छिन जाएगी। तो इसलिए मैं आपसे फिर चाहता हूँ कि हम आप एक बार इसकी तरफ पीवीआर और आइनॉक्स दोनों शेयर में से भी अगर मैं एक को चुनना चाहूँ तो मैं पीवीआर की तरफ जाऊँगा, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है आइनॉक्स। बट आइनॉक्स की बुराई नहीं कर रहा हूँ, आइनॉक्स भी बहुत अच्छी कंपनी है। तो यहाँ पर या यहाँ पर दोनों में से कोई भी शेयर खरीद सकते हैं, अच्छा रिटर्न आपको मिलने की गारंटी है। आप एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंफर्म कर लीजिए, और चाहे तो इसे देखते रहिए वॉच लिस्ट में, और वॉच लिस्ट में डाल लीजिए। तो हम आज का वीडियो यहीं पर ही समाप्त करते हैं, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, लाइक करिए, कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस।